सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में और कैसे लोकी स्पाइडरमैन नो वे होम को सेटअप करने वाला है। आप सबको पता होगा कि लोकी ये सीरीज एमसीयू में मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जैसा कि उसने एपिसोड 2 में काइंड ऑफ कर भी दिया है। और लोकी के आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें फाइनली शायद एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स कम्प्लीटली सेटअप होते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा लोकी की सीरीज ने वेरिएंट्स के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया है एमसीयू के अंदर, जो कि बेसिकली ये बताते हैं कि डिफरेंट टाइमलाइंस में अगर कोई सिमिलर करेक्टर है तो वो एक दूसरे का वेरिएंट है। बेसिकली लोकी के एपिसोड 2 में हमने लोकी के काफी सारे वेरिएंट्स को देखा, वाइकिंग वेरिएंट ऑफ लोकी को देखा, हल्क वेरिएंट ऑफ लोकी को देखा, इसके अलावा लेडी लोकी को देखा। तो इससे बेसिकली ये कंफर्म होता है कि डिफरेंट मल्टीवर्स में एक करेक्टर के काफी डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेरिएंट मेन करेक्टर के जैसे ही दिखता हो और उसके अपीयरेंसेस मेन करेक्टर के जैसे ही हो। दो वेरिएंट्स के फिजिकल एट्रीब्यूट्स काफी डिफरेंट हो सकते हैं, पर तब भी वो एक दूसरे के वेरिएंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा दो वेरिएंट्स के पावर्स भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने एपिसोड 2 में देखा लेडी लोकी के पास काफी डिफरेंट पावर्स थे लोकी से। इसके अलावा लेडी लोकी के और पावर्स को हम एपिसोड 3 में एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा लोकी के बाकी वेरिएंट्स के फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी काफी डिफरेंट थे, और हो सकता है उनके पावर्स भी काफी डिफरेंट हो। वैसे ही सिमिलरली तीनों स्पाइडरमैन के पावर्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि टॉम हॉलैंड और जो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है वो लोग वेब शूटर्स यूज करते हैं, पर जो टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन है उसके पास नेचुरल वेब शूटर्स हैं। इसके अलावा उनके बाकी सारे पावर्स तो सेम है, पर उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स काफी सारे डिफरेंट है। पर लोकी की सीरीज बेसिकली एक्सप्लेन करेगी कि स्पाइडरमैन 3 में हम तीन स्पाइडरमैन कैसे देखने वाले हैं, और इसीलिए शायद स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर डिले किया जा रहा है, और शायद स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर लोकी के फिनाले के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।